नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के 22वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 6 मई 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2020 को लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ T10 लीग 2020 के पूरे शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसके अलावा भी 5-6 काफी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में 1x1 पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को लेकर। जी हां, 3 मई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों के मालिकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईपीएल 2020 की शुरुआत को लेकर मीटिंग होनी थी, लेकिन उसी वक्त पर भारत में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके चलते इस मीटिंग को भी पोस्टपोन कर दिया गया और अब 17 मई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की यह मीटिंग दोबारा से होने वाली है, जहां पर आईपीएल 2020 के ऊपर हमें बीसीसीआई की तरफ से अंतिम फैसला देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर। जी हां, भारतीय टीम के प्रो ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने आईपीएल 2020 की शुरुआत को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2020 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर काफी खिलाड़ियों का करियर डिपेंड करता है और साथ ही साथ यहां पर काफी खिलाड़ियों की इनकम आईपीएल से निकल कर आती है। साथ ही साथ अगर आईपीएल 2020 को होस्ट नहीं किया जाता है तो यहां पर पूरे विश्व के काफी बोर्ड्स को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में किसी ना किसी विंडो में आईपीएल 2020 को जरूर से जरूर शेड्यूल किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है T10 लीग को लेकर और COVID-19 के इस प्रकोप के समय में जहां पर एक तरफ क्रिकेट की सभी सीरीजों को पोस्टपोन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ T10 लीग के शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच यह टूर्नामेंट दुबई के अबू धाबी में खेली जानी है। इस सीरीज का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है, जिसके ऊपर आज आपको क्रिकेट इंडिया पर स्पेसिफिक वीडियो भी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2020 को लेकर। जी हां, इंग्लैंड के सीमित ओवर कप्तान यून मॉर्गन ने कहा है कि जितने भी अवसर हैं उनके साथ ही T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी होगी। मॉर्गन ने T10 लीग के उद्घाटन के अवसर पर ऑनलाइन यह बात कही। उनके अनुसार फिलहाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हो रहा है और T20 विश्व कप समय पर होगा तो इंग्लैंड की तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितने भी मौके मिलेंगे उन्हें भुनाने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है युवराज सिंह को लेकर। जी हां, युवराज सिंह को टीम से बाहर करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उनके पिता योगराज सिंह कई बार महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगाते रहे हैं। इस बार उन्होंने विराट कोहली का नाम भी इसमें शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि धोनी और कोहली ने युवराज को स्पोर्ट नहीं कर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। योगराज से पहले युवराज ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि धोनी और विराट कोहली ने उन्हें उतना स्पोर्ट नहीं किया। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है शोएब अख्तर को लेकर। जी हां, पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय टीम का गेंदबाजी कोच बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि मैं भारत में तेज गेंदबाजों को तैयार कर सकता हूं। उनके अनुसार वे ज्यादा तेज और आक्रामक गेंदबाज तैयार कर सकते हैं जो बल्लेबाजों को चुनौती देने में सक्षम हो। अख्तर भारतीय टीम के लिए सकारात्मक बयान अक्सर देते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी निकल कर आ रही है शोएब अख्तर को लेकर। जी हां, पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर इन दिनों काफी चर्चा में है। पिछले कुछ समय से वह अपने करियर से जुड़े कई दिलचस्प सवालों का जवाब देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अख्तर ने यह खुलासा किया कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ में से किसे गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल था। भारतीय टीम के दो महान बल्लेबाजों के बीच शोएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ को चुना और उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ को गेंदबाजी करना सचिन तेंदुलकर से ज्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों, ये है आज 6 मई 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है और आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.